श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगते गिरिं यत्कृपा त्वं अहं वंदे परमानंद माधवं। वसुदेव कुटुंबकम् उक्ति को चरितार्थ करते हुए सन 2022 की समाप्ति एवं सन 2023 के आगमन पर नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आप सभी का नूतन वर्ष मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं आचार्य नितिश डेली लाइव न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो हमारा नवीन वर्ष जो है वो संवत और नवीन संवत जो है वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पे प्रारंभ होता है और उसी में नवीन वर्ष गोचर ग्रह की गणना का फलाफल देखा जाता है। परंतु 2023 जो भी आने वाला जो वर्ष है, नूतन वर्ष है जो 2023 जो आने वाला है, उसके आगमन पर जनवरी फरवरी एवं मार्च तक के ग्रह गोचर का फल क्या होगा, मानव जीवन पर, देश विदेश, राजनीति एवं सामूहिक व्यापार पर क्या रहने जा रहा है, आइए इसके विवचन के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आइए देखते हैं कि 17 जनवरी से शनि महाराज अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का राशि संक्रमण हम पर एक विशेष प्रभाव डालता है। ज्योतिष राशि में जो शनि का संक्रमण है, ज्योतिष में शनि का स्वराशि भ्रमण बड़ी और विशेष घटना समझा जाता है। शनि का यह भ्रमण मानव सभ्यता के लिए इतिहास में करवट बदलने जैसा होगा। शनि राजा होने के कारण, शनि राजा है इस समय, शनि राजा होने के कारण कुंभ राशि में संक्रमण का अत्यधिक प्रभाव के साथ साथ प्रचुर मात्रा में इसका फल भी हमें देखने को मिलेगा। विश्व में चली आ रही कुछ वर्षों से उथल पुथल रूपी तूफान का प्रभाव प्राणियों पर दिखाई देगा। शनि अभी रौद्र रूप में है। शनि रौद्र रूप में दीर्घकालीन शांति एवं समस्त प्राणियों के लिए न्याय की स्थापना करने के लिए एक नवीन सुव्यवस्थित घोषणा करने जा रहे हैं। देखिए, शनि अभी संक्रमण काल जो है शनि का कुंभ राशि में अभी जनवरी में प्रवेश होने जा रहा है। इसी प्रकार सभी राशियों में ढैया एवं साढ़े साथी का प्रभाव, शुभ एवं अशुभ प्रभाव रहेगा। शनि महाराज का जो राशि संक्रमण होने जा रहा है, ढैया एवं साढ़े साथी का जो शुभ अशुभ प्रभाव जो रहेगा, उसके प्रकोप से बचने के लिए मैं एक बहुत सुंदर उपाय भी आपके पास लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो महर्षि पिपला द्वारा बताया गया है। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रूरूपाय कृष्णाय नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय, नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय, नमस्ते सौर्ये विभो, नमस्ते मन संज्ञाय शनिश्चरे नमोस्तुते, प्रसादं कुरु देवेश दिनस्य प्रणतस्य च। ऐसे दशनाम स्त्रोत्र का स्नान आदि के बाद नित्य प्रातः काल पाठ करने से शनि की साढ़े साथी एवं धैया की पीड़ा नष्ट हो जाती है। ये तो रही शनि की बात। देखिए आगे के गोचर में अभी गुरु जो है वो मीन राशि में चल रहा है, मेष राशि में राहु चल रहा है तथा अभी जनवरी में ही धनु राशि से सूर्य उतरकर और मकर राशि में आएंगे। इसके आगे के ग्रह गोचर के अनुसार में कुछ भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं गोचर के ग्रहों के हिसाब से। ग्रह गोचर में जनवरी 2023 में 4 जनवरी 2023 से किसी प्रकार की बीमारी रहने की संभावना है। सोना चांदी आदि में मंदी देखने को मिल सकती है। चौपहिया वाहनों की हानि एवं दुर्घटना होने की संभावना रह सकती है। साथ ही कान में रोग प्रकोप रहने की संभावना भी रह सकती है। पौष मास की समाप्ति के पश्चात
अभी पौष मास चल रहा है और पौष मास की समाप्ति ही 2022 के साथ होगी, ठीक, और उसके बाद माघ मास आएगा। तो पौष मास की समाप्ति के पश्चात माघ मास में 5 शनि व 5 रविवारों से युक्त है। माघ मास 5 शनि एवं 5 रविवार से युक्त है, अतः शनिवारी अमावस्या से वैमनस्य जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, साथ ही व्यापारिक उन्नति के आसार भी रहेंगे। शीत में वृद्धि हो सकती है, ठंड पड़ने के आसार रहेंगे। विश्व में भयजनक वातावरण रहने की भी संभावना रह सकती है। यदि बात करूं राजनीति की, तो शासन सत्ता में बैठे नेता विवादों को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसी संभावना ग्रह गोचर के अनुसार बन रही है। दक्षिण देश तथा प्रदेश विशेष रूप से प्रभावित रहेंगे और रोग उपद्रव भी बना रहेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। 11 जनवरी से कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना भी है। 14 जनवरी से चांदी, स्वर्ण अर्थात सोना, तेल, घी इत्यादि में महंगाई देखने को मिल सकती है। 24 जनवरी से सभी प्रकार के अन्न विशेषकर गेहूं में तेजी आने की संभावना है, साथ ही तापमान में गिरावट भी रह सकती है। फरवरी 2023 में हम आते हैं, तो रही जनवरी की बात। फरवरी 2023 में शिशुओं में रोग बना रह सकता है, ऐसी संभावना जो ग्रह है वो बना रहे हैं। फागुन मास में 5 सोम और 5 मंगलवार से युक्त है। फागुन मास जो है वो 5 सोम और 5 मंगलवार से युक्त है, अतः सोमवारी अमावस्या से प्रजा में किसी कारण से भय व्याप्त हो सकता है, साथ ही परंतु जो चले आ रहे रोग हैं जनवरी और फरवरी से जो रोग चले आ रहे हैं, उनके प्रकोपों से भी मुक्ति मिल हमको इस महीने में मुक्ति मिल सकती है, ऐसे भी आसार है। साथ ही देश का रिजर्व भी बढ़ेगा। दक्षिण प्रदेशों में उपद्रवों का भय बढ़ने की संभावना है। देखिए फरवरी में फागुन मास में जो ट्रेकिंग करते हैं, जो ट्रेकिंग के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग के दौरान दुर्घटना की संभावना भी हो सकती है, अतः या तो इन समय को टालें या फिर अगर जाएं तो अपनी सारी सेफ्टी अपने साथ में रखें। चुनावों में कम सीट प्राप्त करने वाला दल अपनी शर्तों पर समर्थन देने की इच्छा रखेगा, ऐसी परिस्थितियां भी बन रही हैं। मार्च 2023 की मैं बात करूं तो मार्च 2023 में जंगली जानवरों के प्रकोप से जनधन में हानि हो सकती है। 3 मार्च से कुछ क्षेत्रों में, खास करके जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है। खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी भी आ सकती है। कुछ स्थानों पर वर्षा के छाटे पड़ने के आसार है। वर्षा तो नहीं होगी पर वर्षा जैसा माहौल बन सकता है, वर्षा के छाटे पड़ने के आसार है। इस समय जो नौकरी पेशे वाले वर्ग वाले जो मानव हैं, जो नौकरी पेशे वाले जो वर्ग हैं, इस समय कुछ प्रताड़ित रह सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति बता रही है। 12 मार्च से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनमें वैमनस्यता एवं तीव्र मतभेद रह सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति बता रही है। 13 मार्च से कुछ मौसमी परिवर्तन हो सकता है। मौसमी परिवर्तन में आकाश में बादल छाएंगे, ऐसी संभावना रह सकती है। 16 मार्च से भारी भारवाहक साधनों की दुर्घटना से वन्य प्राणियों को हानि हो सकती है। 2023 में व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो 2023 में व्यापारिक दृष्टि से 9 जनवरी 2023 अर्थात पौष महीने में 5 शुक्रवार का होना घटबड़ के साथ नमी का कारण बन सकता है। उसी के साथ तारीख 24 जनवरी चंद्र दर्शन होने से पतक्ष में तेजी का रुख रहने की धारणा बनी रह सकती है।
एक जनवरी रविवार बुध अस्त होने से व्यापारिक बंधु जितने भी हैं ध्यान से सुने, एक जनवरी रविवार बुध अस्त होने से हमारे व्यापारिक बंधु धमाकेदार तेजी के चांस से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही माघ महीना तारीख 7 जनवरी से और 5 फरवरी की से को समाप्त होगा। इस माह में 5 शनिवार एवं 5 रविवार आ रहे हैं, अतः व्यापारिक वस्तुओं में तेजी का कारण यह बन सकता है। इसके आगे हम ग्रह गोचर में देखें, इसके आगे अगर हम ग्रह गोचर में देखें तो ग्रह गोचर से संबंधित सारी मैं आपको भविष्यवाणियां बताने जा रहा हूं। शनि देव का देखिए जो राशि परिवर्तन है, जो शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है जनवरी में, तो शनि देव का राशि परिवर्तन भी शेयर मार्केट में तेजी की चाल देने का प्रभाव डाल सकता है। तारीख 20 जनवरी को चतुर्थी का क्षय है। तारीख 20 जनवरी के और चतुर्थी क्षय के प्रभाव से मंदी के बाद मार्केट में तेजी का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी गोचर के फलाफल के साथ आपका यह वर्ष भी मंगलमय हो। धन्यवाद।